जो स्नो है गाइस, मुझे अनलिमिटेड स्नो मिल जाएगी यहाँ से अब। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी जल्दी जल्दी स्टैक बढ़ते जा रहे हैं उसके। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आ चुका हूँ एक और ट्यूटोरियल फार्म लेके। तो गाइस ये फार्म स्नो गोल स्नो का होगा, तो इस गाइस से हमें अनलिमिटेड स्नो मिल सकती है। तो गाइस इसके लिए हमें स्नो की ज़रूरत रहती है, बस हमें सिर्फ 2 ब्लॉक स्नो चाहिए। तो गाइस हम स्नो कैसे ला सकते हैं, हमें कोई बायोम ढूंढनी पड़ेगी या फिर हमें कहीं से मिल जाए तो गाइस हम ला सकते हैं। तो गाइस ये स्नो बॉल रहती है ऐसी, हम इसको इस चारों खाँचे में रख देंगे, मतलब जो चारों जगह है उनमें रख देंगे तो गाइस हमें ब्लॉक मिल जाएंगे। तो ये मुझे मिल चुके हैं, देखिए गाइस ये होते स्नो। तो मुझे सिर्फ यही 2 चाहिए, बाकी गाइस हम नॉर्मली सब मिल जाएगा हमको। तो हमें उसके लिए जो चीज़ चाहिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो हम फार्म भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे 2 चेस्ट रखने हैं, 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं गाइस, हमें जितना बड़ा उसका कलेक्टिंग एरिया बनाना उतना बड़ा बना सकते हैं हम। तो गाइस हम 2 होपर तो कंपलसरी रहेंगे कि कलेक्टिंग एरिया जितना बड़ा बनाना उतना बड़ा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 होपर इससे अटैच करके रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं चेस्ट से अटैच हो चुके हैं। अब मुझे गाइस इसके चारों तरफ ब्लॉक लगा देने हैं, एक इधर। आप कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये ब्लैक स्टोन वाले ही ब्रिक लगाएं। तो यहाँ पे लग गए। और अब गाइस इसको हम 3 की हाइट कर देंगे, क्योंकि 3 की हाइट इसीलिए मैंने ये ब्लॉक रख लगा दिया इधर, क्योंकि इधर हमारे पिस्टन आएंगे। तो पिस्टन भी गाइस मैं ले लेता हूँ, पिस्टन मैंने लिया नहीं था। तो यहाँ पे पिस्टन सर्च कर लेता हूँ मैं। तो ये आ चुके हैं, हमें गाइस नॉर्मल पिस्टन चाहिए, हमें इसमें दूसरा कोई पिस्टन की ज़रूरत नहीं है। जो स्लाइम वाले पिस्टन होते हैं गाइस, स्लाइम पिस्टन की ज़रूरत नहीं है इसमें, नॉर्मल पिस्टन की ही ज़रूरत रहती है। तो एक पिस्टन हमें इधर लगाना है ऐसे करके, और एक का मुँह ऐसे रहना चाहिए। तो अब गाइस हमें इसे कवर कर देना है पूरा। तो मैं इसको 1 हाइट और बढ़ा देता हूँ। तो गाइस हमारी इसके ऊपर हो जाएगी रूफ, और सामने गाइस मैं ग्लास रख देता हूँ कि मैं चेस्ट भी ओपन कर सकूँ और मैं उसको देख भी सकूँ गाइस वो कैसे हमें स्नो देता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कवर कर दिया हूँ। अब कुछ नहीं करना है गाइस, हमें जो स्नो है उसको यहाँ पे रखना है, और एक इधर रख के गाइस इसके ऊपर पम्पकिन हेड लगा देना है। तो गाइस मैंने अभी पम्पकिन तो है मेरे पास, पर मैंने शेयर्स नहीं लिया हूँ, तो मैं शेयर्स ले लेता हूँ जल्दी से पहले। तो आई थिंक मैं आयरन ले लेता हूँ, आयरन से बना लूँगा। तो मेरे को यहाँ पे रखना है 2 आयरन। तो गाइस ये हो चुकी, मेरे शेयर्स भी बन गई है। और अब मुझे गाइस इसको नीचे रख के इसको शेयर कर देना है। तो आप देख सकते हैं अब ये पम्पकिन ऐसा दिख रहा है 4 साइड से। तो अब इसमें गाइस मैं इसको शेयर कर दूँगा। हाँ तो गाइस हाँ हो गया है। तो ये जो क्रीपर का जो फेस होता है गाइस उसकी तरह दिखेगा, तो मुझे यही चाहिए। तो मैं इसको सर्वाइवल में हूँ तो कैसे लूँगा, नहीं क्रिएटिव में हूँ तो कैसे लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ पम्पकिन। तो गाइस ये आ चुका है, तो इसे कर्व्ड पम्पकिन बोलते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ, और बस हमें यही चीज़ की ज़रूरत रहती है। और इसके ऊपर मैं गाइस रखूँगा तो बन चुका है स्नो गोलम। और अब मैं इसे कवर कर देता हूँ यहाँ से ऊपर से पूरा। तो ये हो चुका है कवर भी गाइस। इसे कवर करना इसलिए ज़रूरी है, अगर बारिश होगी तो गाइस ये मर जाएगा, डिस्पोन तो नहीं होगा, मर जाएगा। तो गाइस और अगर गाइस ये डिस्पोन वैसे हो भी जाएगा तो गाइस हम इसे बाद में और बना सकते हैं, क्योंकि हमें इससे बहुत सारी स्नो मिल जाएगी। तो मैं रेडस्टोन पहले यहाँ पर डाल देता हूँ, और रेडस्टोन रिपीटर टॉर्च इन सबको हाथ में ले लेता हूँ, क्योंकि गाइस हमें पहले एक क्लॉक भी बनानी है। पहले मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ दोनों को साथ में। तो ये गाइस मैंने इसे कनेक्ट कर दिया हूँ, और अब गाइस मैं यहाँ पे एक रेडस्टोन क्लॉक बनाऊँगा। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है, बिल्डिंग ब्लॉक, और एक टॉर्च यहाँ पर लगा देनी है, और रेडस्टोन डस्ट को यहाँ रख देनी है, और साथ में गाइस मुझे रेडस्टोन रिपीटर एक चाहिए रहेगा। तो मैंने गाइस इस तरह रख दिया हूँ। अब मुझे इस टॉर्च के ऊपर गाइस एक ब्लॉक लगा देना है, और एक रेडस्टोन के ऊपर ब्लॉक लगा देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी क्लॉक चालू हो चुकी है, और मैं इसे कर देता हूँ गाइस बंद। तो आप देखना गाइस मैं इसे अब कनेक्ट कर देता हूँ इससे। तो गाइस मेरे पिस्टन हो गए हैं चालू, अब मैं इसे चालू कर देता हूँ। तो गाइस देखना जो स्नो है गाइस, मुझे अनलिमिटेड स्नो मिल जाएगी यहाँ से अब।
तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी जल्दी जल्दी स्टेक बढ़ते जा रहे हैं उसके। तो गाइस इसका 16 का स्टेक होता है तो बहुत जल्दी जल्दी भर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करना। तो गाइस मैं ऐसे ट्यूटोरियल फॉर्म और लाते रहूँगा जिससे आपको आपके सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाने में आसानी हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।